अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी वन। दोस्तों आज का वीडियो काफी इंटरेस्टेड होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम प्लास्टिक के ड्रम से जो है रूम कूलर बनाने वाले हैं और पूरी जिंदगी ये रूम कूलर आपका खराब नहीं होगा। वैसे आप लोगों ने देखे होंगे जो कि लाहौरी रूम कूलर होते हैं स्टील वाले, वो भी काफी अच्छे होते हैं लेकिन उसका जंग होकर खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो कूलर हम आपको बना के दिखाएंगे ना, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। वैसे आप लोगों को जो है इस तरह का ड्रम बाजार से सिंगल प्लाई में 2000 के आसपास मिल जाएगा, किसी जगह में 1800 का भी मिल जाता है, किसी में 2500 का भी मिल जाता है। तो ये जो ड्रम है डबल प्लाई वाला, ये हमें 2500 रुपए का मिला है और इसमें इससे जो है हम रूम कूलर बनाएंगे 18 इंच के पर हम इसमें जो है एड करेंगे। और जो चीजें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। लेकिन ये ड्रम जो है ये आप अपने बाजार से खरीद ले या अगर आपके पास घर में पड़ा है तो आप उसी से इसी तरह रूम कूलर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने इसमें 18 इंच पर के लिए जो है गोल जगह काटनी है और फिर मैंने इसमें जो है बैक साइड पे जो कि खस होते हैं उसके लिए मैंने जगह बनाने हैं जिसमें हमारा पानी सर्कुलेट होता रहता है। और इसमें जो है हम इस्तेमाल करेंगे बिजलो मोटर 12 वोल्ट का जो कि मेरे पास ही मौजूद है, ऑफलाइन मार्केट से आपको 1100 रुपए का मिल जाएगा और इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ऑनलाइन जो है तकरीबन 1200-1250 का आपको मिल जाएगा। और इसमें पानी सर्कुलेट करने के लिए हम काफर के पंप का इस्तेमाल करेंगे जो कि 480 रुपए का आपको ऑनलाइन मार्केट से मिल जाएगा और ऑफलाइन मार्केट से आपको 450-430 रुपए के आसपास मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें पहले मैं साइड पे कर लेता हूँ और इसमें सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को कटिंग का तरीका दिखा देता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे इसमें एक पेच लगा लेता हूँ और इस पेच के थ्रू जो है मैं इसमें गोल सुराख करूंगा। तो इस तरह पेच के साथ पर लगाने के बाद आपने मार्कर लेना है और सैंपल जो है आपने इस तरह इस पर के साथ जो है गोल लकीर लगा देनी है। बिल्कुल गोल जो है हमारा लकीर इसमें हो गया है और अब जो है हमने इसके दो साइड बनाने हैं, एक साइड नहीं बैक साइड पे हमने दो साइड बनाने हैं कोनी के। तो बैक साइड में हमने यहाँ पे इसमें जो है 4 इंच का पिलर छोड़ देना है, बल्कि 5 इंच का पिलर यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। तो ये हमारा पिलर हो गया इसमें और इस पेन वाले सुराख से जो है हमने यहाँ पे 4 इंच छोड़ के इधर हमने साइड के लिए जो है जगह काट देना है। 4 इंच हमने यहाँ पे छोड़ देना है इस तरह और 4 इंच दूसरी साइड पे छोड़ देना है इस तरह। तो अभी जो है फाइनली मैं इसका निशानी लगा लेता हूँ जल्दी जल्दी से। पंखे के जो नीचे वाला साइड है ये हमारा 13.5 इंच है और यहाँ पे जो है हमने इसके लिए 11 इंच का जगह छोड़ देना है। इसको हमने इस पेन से थोड़ा सा नीचे करके लगा देना है ताकि हमारा कूलिंग वाला साइड जो है ज्यादा हवा खींचता रहे। तो ये हो गया हमारा एक साइड, आप लोग देख सकते हैं। अब दूसरे साइड के लिए मैं लकीर लगा देता हूँ। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं ये चौरस हमारा एक हंस वाला सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया और ये गोल जो है हमारा पेन का सेट हो गया। तो चलिए फटाफट से मैं इसको कट कर देता हूँ। तो इसको आप ग्राइंडर से काट सकते हैं, आरी ब्लेड से काट कर सकते हैं या घास काटने वाला जो चीज होता है उससे भी आप इसको काट सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा मैंने ग्राइंडर से कट कर दिया है, मैंने कहा था कि जल्दी हो जाए। और आप जो है अपने आरी ब्लेड से भी काट सकते हैं, ग्राइंडर से भी काट सकते हैं। और बीच में ये जो मैंने बड़े साइड बनाए थे इसके बीच में मैंने यहाँ पे एक एक पिलर वैसे छोड़ दिया है। तो ये परफेक्ट तरीके से जो है हमारा तैयार हो चुका है। अब जो है इसमें बाकी फैन का फिटिंग करना है और यहाँ पे इसमें साइड का फिटिंग करना है। तो इसमें आप हनीकुम पेड़ भी लगा सकते हैं लेकिन मैं इसमें हंस लगाऊंगा। तो एक कोशिश किया करें, यहाँ पे जो पिलर है ये हमने बैक साइड वाला बड़ा छोड़ा है और ये छोटे हैं, तो कोशिश किया करें कि ये दोनों भी इस साइज पे छोड़ दें ताकि इसकी मजबूती थोड़ी सी रहे। अब ये बारीक है तो ये थोड़ा सा नरम है और ये जो मोटा है ये मजबूत है। तो सारे साइड काटने के बाद मैंने ये ड्रम को अंदर से मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया है। अब यहाँ पे जो है हमने सबसे पहले इसमें पेन फिटिंग करने के लिए मोटर फिट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसकी साइडों से जो मैंने पीस काटे हैं इस पीस को जो है मैं 3 पीस इकट्ठे कर लेता हूँ और इसके फ्रंट साइड पे जो है मैं इस तरह गोल एक पाइप सा बना लेता हूँ। तो इसमें मैं पेन लगाऊंगा तो फिर क्या होगा कि हमारा जो फैन है वो सही थ्रो आगे मारेगा, हवा सही तेज मारेगा और बैग से जो है हवा खींचेगा। अगर हम इसमें ये चीज ना लगाएं तो फिर इसमें जो है हवा यहाँ से एंटर होके बाहर आएगा। तो ये चीज लगा ले तो इसे अब इसका जो कूलिंग है वो और बेहतर रहेगा। तो चलिए मैं इसके लिए ये 3 पीस जो है इकट्ठे कर लेता हूँ इस तरह।
इसके ऊपर मैं छोटे छोटे से पट्टी लगा के और इसके ऊपर पेच लगा लेता हूँ, पेचों के साथ लगा लेता हूँ। तो ये मैंने छोटे छोटे पीस काट दिए हैं इस ड्राम के। इसके नीचे एक पीस यहाँ लगाऊंगा और एक यहाँ लगाऊंगा और इसके ऊपर जो है ये वाले पेच सेट करूँगा। इसी तरह एक सेंटर में लगा लेता हूँ ताकि मजबूती थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर ये तीन पीस मैंने कुछ इस तरह से लगा दिए हैं और अब ये चौथा पीस जो है हम तब लगाएंगे जब हम रूम कूलर के फैन वाली जगह का नाप ले लें। तो पहले जो है मैं इसका नाप ले लेता हूँ। तो इस तरह जो है हमने इसको इसमें लगा देना है। तो यहाँ पे मैं इसमें निशान लगा के और इसको काट लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा तैयार हो गया इस तरह त्रिकोना सा है। तो चलिए अब हम इसको ड्राम के अंदर फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इसमें बहुत अच्छी तरीके से जो है फिट आ गया है और इसमें सिंपल हमने पेन लगा देना है और इसके आगे फिर कोई भी जाली हम लगा सकते हैं। तो इसको फिलहाल मैं उतार देता हूँ और इसकी साइड है वो बना लेता हूँ खस से। तो इसके लिए साइड बनाने के लिए जो है मेरे पास ये एक जाली है जो कि आपको किसी भी हार्डवेयर के शॉप से मिल जाएगी और ये मेरे पास वो खास है लकड़ी का बुरा सा जो होता है, ये मैं 250 रुपए का लेके आया हूँ बाजार से। तो ये आपको किसी भी रूम कूलर वालों से मिल जाता है और ये हार्डवेयर से आपको जाली मिल जाएगी। रूम कूलर का साइड नाप लेता हूँ पहले, ये 45 इंच है। इसका सेंटर पहले निकाल लेता हूँ। तो ये जो पट्टी मैंने रखी है उसके उस साइड पे मैं हसरा रख लूंगा और फिर इसको इसके ऊपर मोड़ लूंगा। तो यहाँ से हमारा हस वाला साइड स्टार्ट हो जाता है और इसको रूम कूलर वाले जो है गीला करके लगाते हैं। तो अभी जो है हमने इस लकड़ी को इसके ऊपर इस तरह करके और जाली की दूसरी साइड जो है हमने इसके ऊपर करके डबल कर देना है। अभी हमने ये पट्टे जो है इसे निकाल लेने हैं। तो ये साइड जो है हमारा तैयार हो चुका है। अब मैंने इसको खालिस रूम कूलर के अंदर कर लेना है। तो इसको फिर आप जगह जगह से सेवा से बांध देना है ताकि इसमें अंदर जो खस है ये पानी के बहाव से नीचे ना गिरे। तो इसको मैं बांध देता हूँ। तो दोस्तों काफी मेहनत के बाद जो है रूम कूलर का साइड जो है तैयार हो चुका है और अब जो है मैंने इसको रूम कूलर के अंदर लगा देना है। काफी मेहनत के बाद जो है ये हमारा तैयार हो गया है और इसके ऊपर वाले साइड पे जो है मैं पाइप लगाऊंगा और उस पाइप में छोटे छोटे सुराख करूंगा तो वो पानी जो है इसमें अंदर जाएगा। तो इसके ऊपर वाली साइड पे मैंने इस तरह जो है नाली सी बना ली है और इस नाली के ऊपर जो है मैं ये वाला पाइप इस तरह लगाऊंगा और इस पाइप के नीचे वाली साइड पे मैं ड्रिल से छोटे छोटे सुराख कर लूंगा। तो ये पानी जो है सारा इसी के ऊपर जो है इस तरह नीचे की तरफ जाएगा और ये सारा जो हमारा कूलिंग फेड है ये ठंडा होगा। तो इसको कूलर के अंदर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा इसीलिए जो है मैं इसको थोड़ा सा रोल कर देता हूँ। बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो है ये चीज बन रहा है, बैक साइड से देख सकते हैं आप। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर जो है पहले पाइप का फिटिंग कर देता हूँ। तो पाइप का एक साइड जो है हमने इसको बंद कर देना है और फिर इसमें लाइन में जो है इसमें ड्रिल से मैं सुराखें करनी है। तो मैं इसमें सुराखें कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। तो इस पाइप में जो सुराखें हैं ये आपने काव्या से करनी है क्योंकि ड्रिल से जो है ये बहुत नाजुक है, ख़राब हो जाएगा। तो अभी इस कूलिंग पैड के ऊपर ये जो पाइप है इसमें मैंने सुराखें की हैं तो इसको मैं इस तरह करके इसके ऊपर जो है ये मेरे पास सरिया तार है कापर का, तो इसके जरिए मैं इसके ऊपर इस तरह बांध देता हूँ जगह जगह पर। तो इसके ऊपर मैंने पाइप कुछ इस तरह से लगा लिया है। अब मैंने इसके अंदर जो है मोटर का फिटिंग करना है और उसके बाद जो है मैं ये कूलिंग पैड है इसको फिर मैं ऊपर करूंगा।
कूलिंग पैड डालने के बाद इसमें मैंने जो पट्टी काटी थी वो भी मैंने इसमें लगा दी, और इसमें यहाँ पे 3 पीस मैंने नीचे से लगाए, यहाँ से ऊपर नजर आ रहे हैं थोड़े थोड़े से, तो इसको मैंने क्रॉस लगाए हुए हैं, और एक पेच यहाँ से लगाया है, एक यहाँ से लगाया है, इसी तरह 2 पेच यहाँ पे लगाए हुए हैं, और ये एक नीचे की तरफ इस तरह लगे, तो इसमें सारे पेच मैंने लगा दी। और इस पट्टी में जो मैंने पेच लगाए हुए हैं इसके सर बाहर निकले हुए हैं, तो इसके ऊपर आपने ध्यान करना है कि इसके ऊपर आपका हाथ ना लग जाए, क्योंकि ये बहुत तेज होते हैं और हाथ बहुत जल्दी काटते हैं, इसमें ये कील निकले हुए हैं, तो इसको आपने ग्राइंडर से थोड़े थोड़े से काट देने हैं। तो अभी जो है फाइनली हमने इसमें मोटर का फिटिंग कर देना है, और उसके आगे फिर हम कोई जाली शाली लगाएंगे सेफ्टी के लिए। तो मैं इसमें बेलिनो मोटर फिट करूंगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास बेलिनो मोटर है और प्योर कॉपर का है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको खरीद सकते हैं। हमारे पास बेलिनो के पर भी मौजूद है, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको भी आप खरीद सकते हैं। तो ये 18 इंच के पर हम इसके साथ लगाएंगे। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग के लिए जो है मैं यहाँ पे मेरे पास ये एक लोहे का राड है, और इसमें जो है हमारे पास 3 सुराख है, तो 2 सुराखों में जो है मैं ये लोहे का राड लगाऊंगा, और एक साइड पे जो है मैं पीपीआर का पाइप लगाऊंगा। तो ये मेरे पास एक पीपीआर का पाइप है, इसको मैं नीचे वाले साइड पे लगाऊंगा, क्योंकि नीचे इसमें पानी होता है तो ये जंग नहीं होगा, और ये लोहे का पाइप जो है मैं ऊपर वाले साइड पे लगाऊंगा, तो इससे हमारा मोटर जो है हम इसे अंदर फिट करेंगे। तो चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी से काट के फिर आप लोगों को इसका तरीका बता देता हूँ कि इसको आपने इसमें कैसे फिट करना है। तो यहाँ पे ये जो बिल्लो मोटर है इसके साइड में यहाँ पे आप लोगों को ये सुराख नजर आ रहे हैं, तो इस सुराख के साथ हम इस पट्टी को इस तरह लगाने के लिए इस पट्टी में जो है सुराख करेंगे। तो इसके दोनों साइड, इस साइड पे और दूसरी साइड पे मैं सुराख कर लेता हूँ ड्रिल से। और दो साइडों पे मैं इस तरह ये लोहे का लगवाऊंगा, और एक साइड पे मैं पीपीआर पाइप लगाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मोटर के साइड पे मैंने एक यहाँ पे पट्टी लगाई और एक यहाँ पे लोहे की पट्टी लगाई, ये आपको किसी भी हार्डवेयर के शॉप से इस तरह की पट्टी मिल जाएगी, तो आप काट के लगा सकते हैं। और एक साइड पे ये मैंने पीपीआर 25 mm का पाइप है, इसमें सुराख किया हुआ है, तो यहाँ से मैं इस पर नट लगाऊंगा, और ये वाला साइड जो है हम नीचे लगाएंगे ताकि ये पानी में खराब ना हो। और यहाँ पे ड्रम में मैंने सुराख कर दिया है, तो ये पीपीआर वाला पाइप इसमें जो है मैं नीचे की तरफ लगाऊंगा, और ये जो दो सर ये है लोहे, इसको मैं इस तरह ऊपर की तरफ लगाऊंगा। तो इस तरह ये मेरे पास ड्रिल है, तो ये इसके साथ पूड़ी का बर्मा है, तो आप इस तरह पूड़ी का पाइप गर्म करके भी इसमें सुराख कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर भी मैंने सुराख किया है, और ये लास्ट वाला सुराख रहता है, तो इसको मैं कर लेता हूँ। तो ये सुराख सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे ये भी प्यार वाला पाइप मैंने नीचे इसमें इस तरह रख लिया, और ये 2 राड जो है मैं इस ऊपर वाले सुराख में लगा के इसके ऊपर इस तरह रख लूंगा। तो सबसे पहले जो है मैंने इसको पर लगा देने हैं वैसे अर्जी तौर पे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा मोटर सेंटर पे है या नहीं। तो इसको मैं नीचे से थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे जो है मैं अपने पीपीआर वाले पाइप पे नीचे से एक पेच लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे ये जो पीपीआर पाइप के ऊपर मैंने नट लगाया है इसको मैं पहले टाइट कर लेता हूँ, और इसके बाद जो है ये ऊपर वाले दोनों जो है मैं फिट करूँगा। तो दोस्तों नीचे पीपीआर वाला जो पाइप था उसका नट मैंने टाइट कर दिया, और मोटर को मैंने थोड़ा सा पीछे की तरफ लगा लिया, पहले मैंने इसको पाइप के अंदर लगाया था। और अब ये जो ऊपर वाले हमारे 2 पत्री लगी हुई है इसके लिए मैं यहाँ पे और यहाँ पे सुराख करके इसमें नट बोल्ट लगा लेता हूँ। तो आप किसी भी तरीके से निशान करके सुराख कर लें, और मैं जो है तुके से सुराख करता हूँ, तो तुक्का जो है वो मेरा कामयाब होता है। अब जैसे मैंने सुराख किया तो वो सीधा जाके एक नारन के अंदर से निकल आया। तो जैसे मैंने बनाया, ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी तरह बनाएं, आप बेशक इससे ऊपर ढक्कन काट के और ऊपर से खोल के भी बना सकते हैं ऊपर पानी डालने के लिए। हम तो इसमें पाइप के ज़रिए जो है पानी डालने का सिस्टम करेंगे। देता हूँ, तो चलो ये हमारा पेक्स हो गया, अब इसका मैं बैलेंसिंग कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। कूलिंग पैड का पाइप मैंने यहाँ पे वाटर पंप के साथ लगा दिया है, और इसके साथ जो है मैं ये तार लगा लेता हूँ, ये कॉपर का 110 चित्तर का तार है, मैं इसके साथ ज्वाइन कर लेता हूँ। तार आपका जितना मोटा होगा उतना इसका स्पीड ज़्यादा होगा। वाटर पंप हमें इसमें अंदर रख लेना है, और यहाँ पर मैं तार को काट लेता हूँ, और ये जो तार है अब मैं इसको मोटर के साथ लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसमें तार के लिए सुराख कर लेता हूँ। तो दोस्तों सारा वेरिंग मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने बटन लगा लिया, ये बटन सिर्फ हमारे वाटर पंप का है, हम वाटर पंप इसे बंद करेंगे जब इसमें पानी खत्म हो जाएगी, और बाकी हमारा जो फैन वाला मोटर है ये डायरेक्ट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें अंदर वाटर पंप मैंने रख लिया है, और अब जो है मैं इसका ये साइड फिक्स कर लेता हूँ कूलिंग पैड। तो अभी ये जो हनीकॉम कूलिंग पैड है इसको ऊपर हैंग करने के लिए मैं यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह एक एक पेच लगा लेता हूँ, और इस पेच के साथ मैं इसको अर्जी हैंग कर लेता हूँ, और फिर जो है हम बाद में इसको
सरिया तार से बांधेगी। मैं यहां पे लगा देता हूं। तो बहुत जबरदस्त तरीके से जो है लग गया है। तो चलिए अब मैं इसको नीचे नीचे एक एक जगह से बांध देता हूँ कॉपर वायर से, ताकि ये जो है इसमें कोई हवा का लीकेज ना हो और सारा हवा इस कूलिंग प्लेट से जाए तो इसका कूलिंग ज्यादा रहेगा। तो इसको मैं कॉपर तार से इसलिए बांध रहा हूँ कि कॉपर तार जो है इसको जंग नहीं लगता और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो सरिया तार से अगर किसी ने बांधना है तो फिर वो बहुत जल्दी जो है जंग लग जाता है उसको। तो दोस्तों पूरी तरह से जो हमारा सिस्टम कंप्लीट हो चुका है और अंदर से आप लोग देख सकते हैं और ये आप लोग बाहर से भी देख लें तो ये काफ़ी खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों पर भी मैंने इसके साथ लगा लिए। अब बस खाली आगे वाली जाली है और इसके आगे आप कोई सी भी जाली लगा सकते हैं, या आप इस तरह का कोई जाली लगा लें और या इसके लिए आप कोई नॉर्मल सी जो है जाली लगा लें, जिस तरह मैंने इस तरह ये कूलिंग पैड के ऊपर लगाया है तो इस तरह जाली भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, ताकि बस खाली इसमें बच्चे हाथ अंदर ना डालें। तो चलिए अब मैं इसको पुशअप चेक कर लेता हूँ। पहले मैंने पंप बंद कर दिया है। भाई काफी ठंडा हवा जो है ले रहा है बगैर पानी का। अभी मैं इसमें पानी डालूँ और पानी डालने के बाद इसको तो इसमें पानी, आप ऊपर जो है ढक्कन है इसमें से कोई भी ढक्कन खोल के इसमें पानी डाल सकते हैं। तो अभी मैंने पंप बंद किया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से पानी आना शुरू हो गया, लेकिन इसमें पानी बहुत कम है, पानी इस वजह से पानी नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ और इसका टेम्परेचर मैं मीटर के जरिए आप लोगों को दिखाऊंगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर जो है 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी मैं इसको ऑन करके देख लेता हूँ। डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया है, लेकिन यहाँ पे ये जो मीटर है ये सही साफ नजर नहीं आ रहा। बाईस डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है टेम्परेचर आ चुका है। तो दोस्तों और भी नीचे जाता है लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसके अलावा हमारे पास ये एक वॉल्यूम वाली पावर सप्लाई है, तो ये 10 एम्पीयर की है। तो इसके ऊपर भी मैं इस रूम कूलर को चेक करके देखता हूँ कि इसके ऊपर ये चलता है या नहीं। इसका प्लस माइनस जो है उल्टा होता है। ये जो रेड वाला, ये जो सफ़ेद वाला तार है ये माइनस है और ये जो साइड वाला है ये प्लस है। तो यहाँ पे अब मैंने इसके साथ ये वॉल्यूम वाली पावर सप्लाई लगा दी, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं इसका स्पीड कम है। यहाँ से आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप 10 एम्पीयर से ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते। यहाँ से आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ये 15 वोल्ट तक जो है आपको करंट देता है। अभी मैक्सिमम जो है 6 एम्पीयर पे हमारा ये कूलर चल रहा है। नहीं है ये कम लोड के लिए है, हाई लोड के लिए वो दूसरी बड़ी वाली पावर सप्लाई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये रूम कलर वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। इस वीडियो पे काफी मेहनत लगा है तो इसको एक लाइक जरूर देना।